130 रुपीज़ है इसमें आपको। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाकी मिलाई के अंदर देख सकते हैं यहाँ से। एक से रुक जाओ भाई, राम गाड़ी रुक। अरे यार करंट लगा या फिर क्या हो गया? इसको बोलते हैं ललिता कुंड। अच्छा। राधा रानी की दो सहेलियां थी ना ललिता विशाखा, कहते हैं महाराज करते करते राधा रानी को प्यास लगी। तब कृष्णा वहां से कहने लगी प्रभु बिहारी लाल की जय। एक कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाकी माने क्या होता है टेढ़ा, जैसे कन्हैया भैया हमारे 26 प्रकार से तो राधा रानी की जय, तुलसी वाले की जय, अपने माता पिता की जय। यही आ गया निधि, कुछ नहीं है आप घबराओ। यहाँ पे मोर बंदर पक्षी चिड़िया जो भी होते हैं शाम को 7:30 बजे के बाद पूरे मंदिर को खाली करते हैं। अच्छा अच्छा। जितने सो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ वृंदावन, मथुरा के लिए टिकट ले रहा हूँ और फिर वहाँ से वृंदावन एक्सप्लोर करूँगा। फिर मैं वहाँ आपको सारा चीज़ डिटेल बताने वाला हूँ मथुरा में वृंदावन में कहाँ कहाँ घूमने वाला हूँ, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। अभी मैं न्यू दिल्ली स्टेशन पे आया हूँ, यहाँ बस टिकट लूँगा फिर निकलूँगा मथुरा के लिए। जय हिंद। कैसे आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल, शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड अभी मैं जर्नी करने वाला हूँ न्यू दिल्ली से मथुरा जंक्शन के लिए एंड मथुरा में मैं आपको सारे डिटेल दिखाने वाला हूँ। मैं 3-4 मंदिर वहाँ पे घूमने वाला हूँ, प्रेम मंदिर वगैरह एंड वहाँ पे कृष्ण जी का भी जो भी टेम्पल है वहाँ सब एक्सप्लोर करूँगा, फिर वहाँ पे जाके मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना, अभी का जो मेरा ब्लॉग है न्यू दिल्ली से मथुरा जंक्शन के लिए, ठीक है। और जो हमारी ट्रेन है झेलम एक्सप्रेस है 1107 है। बहुत सुहाना हो गया है। फ्रेंड्स अभी हम लोग फरीदाबाद रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, जिसका स्टेशन कोड है FDP। अभी हम लोग रोंधी जंक्शन पे रुके हुए हैं और यहाँ पे शायद क्रॉसिंग थे इसलिए ट्रेन को यहाँ पे रुकना पड़ा और अभी नेक्स्ट स्टॉप है मथुरा जंक्शन है। देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेशन, आपको छोटा सा स्टेशन दिख रहा होगा, सिग्नल भी मिल गई है। Yeah.
अवेलेबल है। मथुरा कासगंज। अच्छा मथुरा कासगंज वाली वो लाइन है ना, हाथरस। अच्छा अच्छा, और ये पुणे ये चली जाएगी मतलब ये। ये लोकोमोटिव है जो कि जिससे झेलम एक्सप्रेस है, इसी से हम लोग अभी आए। ये यहाँ से अभी इसको सिग्नल मिल गई है तो अभी ये वापस अभी ये चली जाएगी और हम लोग अभी मथुरा जंक्शन के पास है, मथुरा जंक्शन के पास है जिसके स्टेशन कोड है MTJ। और यहाँ हम झेलम एक्सप्रेस से आए हैं, अभी हम जा रहे हैं एक होटल बुक करने या फिर पहले देख लेते हैं कि नियरेस्ट टेम्पल कौन सा आएगा। जो भी नियरेस्ट टेम्पल होगा वहाँ पर जाके हम लोग अभी विजिट करने वाले हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेम्पल्स के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ मथुरा जंक्शन में आपको सब कुछ डिटेल बताने वाला है, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। मेरे साथ मेरा एक लगेज एक ट्रॉली है, ये वाला ट्रॉली है। तो अब आज बता देता हूँ, यहाँ देख रहे जितने सारे ऑटो दिख रहे हैं वो या आप मतलब नए नए यहाँ पे आओगे, जैसे सामने मथुरा स्टेशन है, ठीक है, मथुरा जंक्शन सामने ही है, यहाँ से जैसे उतरोगे ना तो सब वृंदावन के लिए 250, 300, 350 ऐसे रेट बोलते हैं, ठीक है। ई रिक्शा को छोड़ के जितने भी ये सब है ना, इससे शेयरिंग वाले मतलब मथुरा जंक्शन से वृंदावन के लिए आपको 30 रुपीज़ पे करना है पर पर्सन, ठीक है। 30 रुपये में आप जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं, मैं तो बहुत देर यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वेट किया हूँ, तब जाकर मैं कॉल पे बात किया हूँ होटल वाले से, सब वो लोग ने सही सही बात बताया, तो फिर यहाँ पे मुझे 30 रुपीज़ पर पर्सन प्राइस पड़ा। एंड तो अभी मैं वृंदावन जा रहा हूँ अटलिया सुनील पास, क्योंकि booking.com से हम लोग का वहीं पे बुकिंग है। तो देख सकते हैं जितने भी शेयरिंग ऑटो वाले हैं ये सब बहुत पैसे मांग, ठीक है, जितने देख रहे हैं ये वाले ऑटो से ये आपको 30 रुपीज़ में पर पर्सन ले जाएंगे। बहुत बोलेंगे, कोई 50 बोलेगा, कोई 30, कोई 40 बोलेगा, कोई 60 बोलेगा, पर आपको 30 रुपीज़ पे करना जाना है। एंड आपको जैसे कि शेयरिंग में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे मतलब पॉकेट फ्रेंडली हो, आप स्टूडेंट हो, घूमना चाहते हो, आराम से जा सकते हो, तो आप लोग जरूर शेयरिंग वाला ही करो। ऐसे फुल बुकिंग करोगे तो कम से कम 250, 300, 350 रुपये अभी मांग लेते हैं। पता है यहाँ पे ना एक्चुअली यहाँ केले इतने सस्ते हैं, मतलब दिल्ली में 60 रुपये में दर्जन और यहाँ पे 30 रुपये में एक केजी है, उसमें भी 10-12 चढ़ ही जाते हैं, मतलब यहाँ पे तो सस्ते पड़े यार। तो यहाँ अटलिया चुंगी के पास हम लोग उतर गए और यहाँ से हम लोग अपने होटल के पास जाना है। ये होम स्टे है, अभी हम लोग यहीं पे आए हैं। तो अभी हम लोगों को भूख भी लग रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, और सामने आपको गोपाल भोग रेस्टोरेंट दिख रहा होगा, अभी यही एक रेस्टोरेंट यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है। तो अभी हम लोग जाके कुछ खाते हैं रेस्टोरेंट में, पता करते हैं कि क्या क्या खाने को। भैया खाने का है क्या, कुछ बंद हो गया क्या? हाँ, तो ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे गोपाल भोग रेस्टोरेंट, यहाँ पे दाल मखनी, दाल तड़का, शाही पनीर, मिक्स वेज, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, चना मसाला, ये सब वगैरह यहाँ मिलता है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं कुछ खाने का ट्राई करते हैं। भाई कभी कभी यहाँ भी खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि भाई टेस्ट में ना लाजवाब आपको मिलने वाला। यादव भोजन भंडार भैया यहाँ पे गरम गरम रोटी बना रहे हैं, और यहाँ पे रोटी है, ये सब में सब दो टाइप का सब्जी है, इधर पिकल्स है, आपको सारे में एक में दाल होगा सब्जी। कभी ये मत सोचना है कि यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे स्टॉल लगा रखे हैं, खाना का टेस्ट क्या होगा। मुझे तो एक्चुअली भूख लगा हुआ है, अभी सारे रेस्टोरेंट आसपास के गए तो वहाँ पे कुछ भी अच्छे खाने अभी अवेलेबल नहीं था, तो
भैया अभी गरम गरम रोटी वगैरह बना रहे, तो यहाँ पे आके हम अभी कुछ खाने वाले हैं। बस गरम गरम रोटी भैया बना रहे हैं, इसमें यहाँ पे रख रहे हैं सारे में सब्जी वगैरह है। तो कभी भी स्टॉल देखिए ये मत सोचो कि वहाँ पे खाना कैसा होगा, क्योंकि तो यार गरम गरम रोटी यहाँ मिल रहा है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। अभी हम वही ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, अभी वो मतलब अभी तेज भूख भी लगा हुआ है, इसके बाद वृंदावन वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। बाकी जो भी कंटेंट होगा मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, आपको भी जस्ट खाना खाने के बाद ब्लॉगर का जिंदगी ना कुछ ऐसा ही हो जाता है यार, क्या ही कर सकते हैं। चलो वृंदावन आए, घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये भी सब्जी खा के ट्राई करते हैं। और क्या क्या प्याज बेच रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिहारी जी का टेम्पल, एंड यहाँ से जो चौराहा है वहाँ से 10 रुपया लगता है, और ये रूट है वो सामने आपको चौराहा दिख जाएगा पीछे, और यहाँ से आप सीधे बिहारी जी टेम्पल जा सकते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके फिर आपको सारा डिटेल बताने वाला है। ऑन द वे टू बांके बिहारी, बांके बिहारी इधर ही पड़ेगा ना। अच्छा चश्मा डाल लो, मोबाइल बंद कर लो। तो ये जो रास्ता आप देख रही है, रास्ता बांके बिहारी जी के पास चला जाता है, और अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। एंड अभी हम लोग बांके बिहारी के पास जा रहे हैं, देख सकते हैं पूरे फेस पे मैंने लगवाया है। एंड अभी वहाँ जाकर आपको सारा डिटेल बताने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं, क्या है बांके बिहारी में, क्या क्या चीज़ मिल रहा है, जो भी प्रोडक्ट मिले, खाने का आइटम क्या होगा, सारा चीज़ का ब्लॉग में हम इंक्लूड करेंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना, वीडियो पसंद आएगा एवं हम जब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना सुरेन कुमार एंड आप। हमने क्या है ठाकुर जी, बिहारी जी उधर प्रेम मंदिर ले जाओगे, 30 रुपए 30 रुपए। और देख रहे यहाँ से एंट्री लेना है बाकी बिहारी जी के पास जाने के लिए, तो अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं। प्रसाद वगैरह मिल रहा है काफी यहाँ पे, बाकी बिहारी मिष्ठान की दुकान है, बाकी बिहारी मिष्ठान की दुकान है। यहाँ पे कई तरह के आपको मिठाइयाँ मिल जाएंगे, पेड़े मिल जाएंगे यहाँ पे सारे पे। क्या बढ़िया पेड़े मिलेंगे, बढ़िया पेड़े मिल जाएंगे ना, सही है। फिर अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। केसर दूध, केसर दूध है ना। हाँ जी ओके, पियोगे दूध तो जियोगे खूब। कैसे ग्लास पड़ता है ये? 50 रुपए का है। 50 रुपए का एक है। हाँ जी ओके ओके नाइस। केसर दूध वगैरह मिल रहा है जो 50 रुपए का ग्लास है, तो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब हर चीज मिलेगा आपको खाने के लिए, मिठाइयाँ वगैरह यहाँ केसर दूध वगैरह है। कैसे फूल वगैरह भैया, फूल कैसे है? गुलाब मुंडी 50 रुपए का एक। 50 का एक है, तो देख सकते हैं तरह तरह के गुलाब वगैरह मिल जाएंगे, गुलाब के फूल है 50 रुपए में एक पीस आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको चंदन के भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगे, बहुत सी यहाँ खाने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है जो आराम से आप घूम सकते हैं, खा सकते हैं। अभी हम बाकी बिहारी मतलब मंदिर के पास जा रहे हैं, वहाँ पे भी सारे दिखाएंगे। देखिए सिंदूर वगैरह है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा पूरा। देख सकते हैं कितने सारे दुकान आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, पूरे गली में आपको तरह तरह के दुकान मिल जाएंगे, खाने पीने के, फ्लावर्स के भी कितने सारे फूल मिल जाएंगे, फूल पौधे वगैरह हर कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जरूर यहाँ पे आओ बांके बिहारी, आप मथुरा जरूर आओ, वृंदावन जरूर घूमने आओ भाई। कभी भी मथुरा आओ तो वृंदावन घूमने जरूर आना, क्योंकि भाई यहाँ आने के बाद लिटरली बहुत शांति, बहुत पीसफुल वाला जैसा फीलिंग आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एंड इनफैक्ट एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी आओ ना तो आप बहुत पॉकेट फ्रेंडली में घूम सकते हो। मैं आप स्टूडेंट हो तो जरूर आ सकते हो यहाँ पे घूमने के लिए, इवन फैमिली मेम्बर भी हो तो पॉकेट फ्रेंडली जरूर करो। मैं हर चीज़ के लिए मैं देख लेता हूँ कि कैसे क्या ट्रेवल करना है, क्या एक्सपेंस लगेगा, खाने में क्या जरूरी है, क्या क्या खाना है, सारे का लिस्ट बना लो फिर आराम से घूमते रहो। ये गली है, आप इस गली से सीधे जाकर आप बांके बिहारी जी का दर्शन कर सकते हैं। ये मुझे ना बनारस जैसा भी फील आ रहा है कि बनारस में कैसे मैं घूमता था, तो वहाँ जैसा भी फील आ रहा है कि हाँ बांके बिहारी जी का दर्शन कर लूँ अभी। तो वैसे ही गली मुझे देखने को मिल रही है, वैसे ही सेम गली आपको देखने को यहाँ भी मिल जाएगा, जैसे बनारस में जो गली है ना वैसे। 250 ग्राम में
पेड़ा ले आऊँ और ये प्रसाद अभी ऊपर मैं चढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो भैया का यहाँ पे है, देख सकते सरस्वत स्वीट्स, राधे राधे। तो यहाँ पे शूज वगैरह खोल के भैया से यहाँ से प्रसाद ले लो एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी जी का दर्शन करने। तो ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश मार्ग गेट नंबर 3, ठीक है, और यहाँ से एंट्री भी है। तो यहाँ कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ, बहुत ज्यादा भीड़ है बाकी बिहारी के अंदर, देख सकते हैं यहाँ से कितना ज्यादा है ना, सबका फोन या फिर चश्मा लेके तोड़ के फिर वापस नहीं करते हैं। तो देख सकते हैं ये बच के होटल वाले बोले हैं मेरे को कि होटल वाले को 30 में दो लोग हो जाएगा, 30 में। जय जय अपने माता पिता की, जय गुरु गुरुदेव की, जय। ताली बजाओ ना, हंसी करो राधे राधे बोल के। कहते हैं वृंदावन निधिवन के अंदर में जी ना भोग लगता है ना प्रसाद लगता है, वहाँ चलता है राधा रानी का श्रृंगार, जो भी स्वागत सबको होती है अपनी माता बहन के लिए श्रृंगार लेकर की जाती है। अच्छा, निधिवन के अंदर में आज ही समय कृष्ण भगवान ने अनेकों लीला की है। आज ही वृंदावन के अंदर में 5,500 मंदिर है, सब जगह हाथ जोड़कर नमन करने वाला है। एक जगह से भोग दिया जाता है जिसको बोलते हैं मनोकामना वाला मंदिर, ताऊ जी का मंदिर बोला जाता है। अच्छा, श्रृंगार लेना हो आप श्रृंगार समूह लिख सकते हैं, 150 रुपए का श्रृंगार आता है यहाँ पे। चूड़िया बिजली बिछुआ राधा रानी का छोटा श्रृंगार अपनी माता बहन के लिए स्वागत के लिए लेके जाते हैं। बोलो राधा रानी की जय, थोड़ा ताली बजा लो, हंसी करो राधे राधे। पहले राधे राधे, दर्शन करने के लिए एक गाइड भी हम लोग ने लिया है। तो राधा रानी की जय, तुलसी वाले की जय, अपने माता पिता की जय। यही आ गया निधिवन, कुछ नहीं है आपका प्रॉब्लम, ये आ गया निधिवन। हमारे निधिवन को 3 नामों से जाना जाता है, पहला मधुबन, दूसरा निधिवन, तीसरा बोलते हैं निकुंजवन। आज भी माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर में शाम को 7:30 बजे के बाद में कोई भी नहीं रुकता यहाँ पे। मोर बंदर पक्षी चिड़िया जो भी होते हैं शाम को 7:30 बजे के बाद में पूरे मंदिर को खाली करते हैं। अच्छा अच्छा, जितने भी आप वृक्ष दिख रहे हैं भैया जी, कोई भी सिंगल नहीं होगा, सब जोड़े से होंगे। जितने भी वृक्ष होंगे 16,108 वृक्ष होंगे। कहते हैं बहन जितनी राधा उतनी कृष्ण, जितने कृष्ण उतनी राधा। यहीं पर कृष्ण भगवान जब राधा रानी का श्रृंगार करते हैं बहुत प्यारे पद गाते हैं। जन्म जन्म वही थी उसकी वृंदावन का वास, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डालो और पास पास में श्री राधे राधे जी। भैया जी आज भी माना जाता है इन दोनों को छूते हैं, नमन करते हैं पर इनको तोड़ते नहीं, क्योंकि छूने से सम्मान है और तोड़ने से प्राप्त है। आज हमारे कृष्ण भगवान ने स्वरूप किया है, यहाँ पे 3 प्रकार की तुलसी होती है, बहन रामा तुलसी लाल प्रकार की, श्यामा तुलसी जिसमें हम घर में भोग लगाते हैं, और भैया जी इनको बोलते हैं बन तुलसी, और इनको जंगली तुलसी भी बोला जाता है।
तो एक बार जोर से बोलो राधा रानी की, बंसी वाले की, अपने माता पिता की, थोड़ा ताली बजाओ ना, हंसी करो राधे राधे, कहते हैं जो ताली बजा के हंसता। हरी जाल की जय, एक कहते हैं वृंदावन में हरी जाल की जय, बाकी माने क्या होता है टेढ़ा, जैसे कन्हैया भैया हमारे किस प्रकार से टेढ़े हैं, ऐसी हमारी मिधिवन के आपकी कोई भी वृक्ष देखेंगे कोई भी सीधा नहीं मिलेगा, सब टेढ़ी मिलेगी, वृंदावन की कुंज गलियां टेढ़ी मिलेंगी, और भैया वृंदावन के ब्रजवासी होते वो भी टेढ़े होते, जैसे भैया सखा हो वैसे उनको गाल बाल होंगे। इसको बोलते हैं ललिता कुंज, राधा रानी की तो सहेलियाँ थी ना ललिता बसाना, कहते हैं महाराज करते करते राधा रानी को प्यास लगी, तब कृष्णा वहाँ से कहने लगी प्रभु मेरे को लगी प्यास, आप मेरे को जल पिलाइए, तब कृष्णा वहाँ कहते हैं मंदिर के जस्ट पीछे में जमुना रहती है, लेकिन वहाँ जाइए वहाँ से जल पी करके आइए, तो राधा रानी गोपियाँ कहती है महाराज वहाँ तो कालिया नाग रहता है, कोई भी पक्षी या पक्षी जो भी जल पीता है वो पी करके मर जाता है, तो कृष्णा वहाँ कहते हैं गोपी मत जाइए, तो कृष्णा वहाँ के हृदय से पैरी थी बंसी, तो बंसी से इस कुंड को खोदा, यहीं पर 16,100 गोपी वो जल पिलाया और जल पिला गई महाराज, उसको मैं बाद में दर्शन कराऊंगा, बोलो राधा रानी की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, भैया गाइड है और सारा चीज गाइड करके आ रहा है, भीड़ देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पर काफी, इधर वान भी है इधर। ये है बाबा श्री हरदास जी का प्रकट स्थल है, अच्छा अच्छा, जो बाबा श्री हरदास जी ने दो मूर्ति को प्रकट किया ना, बांके बिहारी दर्शन किए और वृंदावन बिहारी, कृष्ण भगवान की दो मूर्ति स्थल किया था, अच्छा अच्छा, बांके बिहारी वृंदावन बिहारी, ओके, इन्हीं की वृंदावन में प्रतिमा लगानी है आपको, आप प्रतिमा लगा रही हूँ हल्की सी प्रतिमा है उसको लगा करके सन्मुख से आपको बाहर आना, इसके बारे में आपको बाहर सुनवाऊंगा अच्छे से, राधे राधे राधे, एक बार बोलो राधा रानी की जय, सी वाले की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरदास जी महाराज की जय, माता पिता की जय, देव की जय, ताली बजाओ सभी लोग हंसके भी खाओ, राधे 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 बोलते भक्त रहिए, राधे 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 राधे। अभी जो आप दर्शन करके आए भैया जी, उसको बुलाया जाता है प्रकट स्थल, यहीं पर तानसेन बैजू आवरा के जो संगीत के सम्राट थे बाबा श्री हरदास जी, बाइक करके अच्छा, चमत्कार से इन्हीं कृपा से वृंदावन में 5,500 मंदिर है भैया जी, साल भर ही भक्त जाते हैं घर के दर्शन नहीं कर पाते हैं, यहाँ से मूर्ति को निकाल के जहाँ लगाया उसको कहते हैं नंद का घर, कहते हैं ना नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, आज भी भैया जी हमारे दाऊ जी के मंदिर में 3 भोग दिए जाते हैं, बाल भोग माखन भोग पितृ भोग, बाल भोग होता है अपने बच्चों के नाम से, माखन मिश्री माता पिता के नाम से, और लड्डू भोग लगाते हैं पूरे परिवार के, आप भैया जी जैसा भोग लगाते हैं वहाँ से हमको 3 चीज अनुभव मिलती है, तुलसी की मनोकामना वाली माला, आए भैया जी कोई आपका काम धंधा व्यापार शादी संपत्ति या पुत्र इत्यादि नहीं होते हैं या शरीर में कोई रोग होता है, हम तुलसी का 5 दाना निकालते हैं, कब एकादशी और द्वादशी वाले दिन, गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उन तुलसी के दानों को शुद्ध कर लेते हैं, चांदी के लॉकेट में या लाल कपड़े से हाथ में या गले में पहनते हैं तो अवश्य मेरे ठाकुर जी 11 महीने के अंदर में चमत्कार करते हैं, पहले वो मंदिर मिट्टी और गोबर का बना था, भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई विश्वास हुआ, आज अपने और अपने माता पिता के नेम प्लेट से मंदिर बना है, क्यों बना है कहते हैं कि जब तक वृंदावन धाम रहेगा मेरे बांके बिहारी के चरणों में आपके माता पिता का नाम रहेगा, आप भी लोग बोल के आते हैं कि जाएंगे वृंदावन धाम और करेंगे अपने पूज्य माता पिता का नाम, वृंदावन धाम में आते हैं तो ऐसे जान के चलते हैं एक कंधे पे माता और एक कंधे पे हम पिता को तीर्थ करा रहे हैं, क्योंकि ये माता पिता का ही तीर्थ है, वो मंदिर में आपको बाद में दिखाऊंगा, एक बार जोर से बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, अपने माता पिता की जय, बड़ा ताली बजा लो हंसी करो राधे राधे राधे, फोटो खींचे
पीछे एक बार बोलो राधा रानी की जय। या मंदिर के जस्ट पीछे में खड़े हैं, उसको बोलते हैं रंगीली महल, राधा रानी का श्रृंगार का। अच्छा, इस मंदिर के अंदर में दिया जी चांदी का बेड़ा, चांदी के बेड के ऊपर में राधा रानी का 16 श्रृंगार लगाया जाता है शाम को 7:30 बजे के बाद। 5 किलो फूलों की पत्ती की शेर सजाई जाती है। अच्छा, उसके ऊपर में 4 लड्डू, 2 दातुन, 2 बीड़ा, 1 लोटे में जल रखते हैं। मंदिर को बंद किया जाता है, मंदिर के अंदर में 7 ताले लगाते हैं, 4 ताले अंदर में, 3 ताले बाहर। इसी मंदिर में फैला हुआ मिलता है। राधा रानी की साड़ी खुली मिलेगी, लड्डू फूटा हुआ मिलेंगे, दातुन गीला मिलेगा, पान चबाया मिलेगा, लोटे का जल फैला हुआ मिलेगा। ऐसा महसूस होता है कि राधा रानी कृष्णा वहाँ आई, यहाँ आने को लीला कर गई। इसी मंदिर में राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा का सनों का दर्शन होगा। जो भी माता बहन सबको श्रृंगार लिखने, क्योंकि ये 4 धाम के माता पिता का घर है भैया जी। अच्छा, जो भक्त लोग 4 धाम नहीं जा पाते, हमारे 4 धाम कौन कौन से हैं? जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और द्वारकापुरी। कहते हैं भैया जी, जिसको पैसा होता है उसका टाइम नहीं होता, और जिसको टाइम होता है उसका पैसा नहीं होता। मेरे वृंदावन आकर के मेरे वृंदावन ज्ञानी राम का दर्शन करते थे, और 4 धाम के माता पिता का घर आपको चले गए थे द्वारका। वो द्वारका के राजा बने, यहाँ के राजा कौन है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अगर सिंगर भैया तो आप लाए नहीं, जीवन की चीज को बाहर नहीं छोड़ा जाता है। अच्छा, वरना लेकर के जाने चाहते हैं, क्योंकि कोई भी रट्टा पता जो भी गिरता है ना, तो इन गड्ढों में सन्मुख कर दिया जाता है। इस गड्ढे में हाँ, ये वैसे ही उपयोग हो जाती है। अच्छा, तो इसलिए इन गड्ढों को सन्मुख किया जाता है। राधे श्याम, राधे राधे। तो अभी हम लोग जो आपको दिख रहा होगा, ये जो छोटा छोटा पेड़ है ना, इसको वन तुलसी बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं सारे वन तुलसी है, ठीक है। और मेरा मन भय लता पता, जितने भी आप दृश्य देख रहे हैं, ये दिन में साधा और रात में यही कृष्ण द्वितीय बनके यहाँ पे बरास करने के लिए आते हैं। अच्छा, अगर भैया जी आप में थोड़ा बहुत नाचना आता हो तो यहाँ नाच लेना। अच्छा, कहते हैं जहाँ पे कन्हैया और राधा रानी नाचती हो और मेरे भगत लोग नाच लेते हैं, तो उनको 84 योनि में नाचने की दरकार नहीं पड़ती है। तो जो भी तो अभी हम लोग रात को भी निकले हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए, बट वहाँ वो तो आई थिंक बंद हो गया होगा, बट वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, कुछ लड्डू वगैरह भी लेंगे। हाँ, ये हुई ना बात, तो देख सकते हैं अभी भैया के पास अभी हम लोग आए थे, मस्त केसर वाला दूध हम लोगों ने पिया। इसका 50 रुपये दाम है, मतलब कॉस्ट 50 रुपीज है, और बहुत मतलब टेस्टी है यार। आप इसको आके जरूर ट्राई करना, वृंदावन और मथुरा में जरूर आओगे, एक बार आप बाकी बिहारी जी के पास आओगे तो वहाँ जरूर ट्राई करना। भैया यहाँ पे बॉस, चलो भैया ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। तो ये प्रॉपर थाली है जिसका कॉस्ट 130 रुपीज़ है, इसमें आपको 4 रोटी, चावल, सैलड, 2 सब्जी और 1 बूंदी का रायता वगैरह मिलता है। यहाँ पे पानी का बॉटल है, यहाँ पे तो अभी हम जा रहे हैं टेस्ट करने, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। बस अब भूख भी काफी तेज लगा हुआ है, बढ़िया स्पाइसी है। तो भाई अभी रात का कम से कम कितना 11:30 हो रहा है, अभी ऑटो भी खराब हो गया, ऑटो में देख सकते हैं 2 बंदा अभी ऑटो राइड कर रहे हैं, बट ई रिक्शा पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ खराब हो गया। क्या हो गया भाई? बैटरी डाउन हो गया। देखो भाई, अब हम लोग पहुँचते कि नहीं, इसलिए हम लोग को जाना है अटाला चुंगी के पास, जहाँ हम लोगों का होटल है। अब देखता हूँ यार क्या हो रहा है। 300 किलोमीटर की रफ्तार में
ना आपको आश्रम वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे रहने के लिए, मतलब खाने पीने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई यहाँ पे। आराम से आप आराम से आके आराम से आश्रम में खाना पीना आराम से रह सकते हो, पॉकेट फ्रेंडली जैसा है यहाँ पे। तुम नहीं जाओगे? एक बंदा पीछे और एक बंदा इधर से राइड कर रहा है और मेरा ब्लॉगिंग चल रहा है भाई इधर। यही है यार वृंदावन की खूबसूरती। और देख सकते हैं ये गौ माता इधर, साक्षात आपको लगेंगे कृष्ण भगवान आए हुए यहाँ पे। वैसे एकदम फील होता है, बंदा राइड कर रहा है। हाँ फ्लो पकड़ ली, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। क्या पहुंच जाऊंगा आज लग रहा है। अरे यार किसी ने धक्का मार दिया क्या? रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई। अरे यार करंट लगा है या फिर क्या हो गया? किसी ने धक्का मार दिया क्या? करंट लग रहा है तो राम जी सुबह ही सुबह भी है ये सारे पैर अपना बांध हो रहा है चले ले मेरी बात क्या हो ते मत पकड़ियो इधर से ये अब सिंह उधर से भाई भाई उधर से सिंह पकड़ ले, सिंह पकड़ के उठाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? ओहो भाई 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 कुछ प्रॉब्लम है इसके। अरे हट जा पलंग से, ये अपनी ओर में वाली है। अरे कुछ खा लिया क्या? कुछ खाली लग रहा है ये। भैया सीन में चोट लगे क्या? जय श्री कृष्णा। उठा लो भाई, इधर इधर से भी करना पड़ेगा। तो देखिए यही थी, यही गाय गिर गई थी यहाँ पे, ये उठ गई है। स्लिप हुआ क्या था एक्चुअली, इसके पैर में चोट लग गया था। देखिए तो फाइनली ये उठ गई है। वहाँ बहुत सारे लोग थे, सब लोग मिलके इनको उठा दिए, इनको चलने में दिक्कत हो रही थी बट अब सही है। क्या हुआ था? सही कर रही, सही होगी। करंट लगी थी और लोग आ गए ना तो हाँ। कोई वही नहीं दे रहा मतलब। इसके सींग में भी चोट लग गया, ब्लड आ रहा था यार। तो अब सही हो गई ना? निकल भी गई। निकल गई ना यार, उसके ना ब्लड आ रहे थे सींग में। ना अब सही हो गई, देख नहीं आपको? हाँ 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 मैं देखो लाल वाली पैर में से चोट लगी थी। पैर में नहीं, पकड़ रही थी कमरे पे। अरे यार
चलो यार, चलो ठीक है, थैंक यू ब्रो, बहुत मदद किया, थैंक यू। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय 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 श्री कृष्णा।